अखबार क्यों नहीं आता, उर्दू का अखबार ही क्यों आता है? ताकि तुम्हारी उर्दू ठीक हो जाए। बेस अखबार पढ़ने से उर्दू तो नहीं ठीक होती, अलबत्ता इसमें सेहत ठीक करने के मशवरे दिए। देखो इसमें लिखा हुआ है कि औरतों की जल्दी मसाइल के हल। दिखाओ। ओहो, जल्दी मसाइल नहीं, जल्दी मसाइल का हल, स्किन प्रॉब्लम। देखो ना, आप जिसको उर्दू नहीं पढ़नी आती वो जल्दी मसाइल को जल्दी मसाइल ही नहीं पड़ेगा ना। अच्छा खैर, देखो उसके अलावा इसमें आंटी की बीमारी का इश्तिहार भी छपा है। मॉम की बीमारी का इश्तिहार? हाँ। देखो बस लिखा हुआ है कि अगर आपकी सास को मरने में दुश्वारी पेश, इसमें लिखा है कि अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो तो इसका इलाज मौजूद है। ये तो तुम अपनी गलत उर्दू से अपनी सांस को मारने पे तो नहीं हो। सॉरी ना मिस, उर्दू नई नई सीखना शुरू करो या आप गाड़ी चलाना नई नई सीखना शुरू करो तो उसमें मरने का खतरा तो होता है ना। मैंने सोचा कि शायद आंटी की जो बीमारी है कि उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, उसका कोई इलाज दिखाओ, तो मैं आंटी को पढ़ के सुना दूंगी। अच्छा मिस देखो, और भी लिखा हुआ है कि डॉक्टरों की यानी कि मेडिसिन के डॉक्टर्स की ब्रदर इन लॉज की मेहनत से मौला जट तैयार। डॉक्टरों के ब्रदर इन लॉज की वजह से एक मौला जट तैयार? हाँ, खुद देख लो लिखा हुआ यहाँ पे। ओहो, इसमें लिखा है कि डॉक्टरों की कई सालों की मेहनत से एक फार्मूला तैयार हुआ है। इसमें ब्रदर इन लॉज का कहाँ से जिक्र आ गया? है ना विज, तुमने मुझे खुद ही तो ट्रांसलेशन करके बताई थी कि जो ब्रदर इन लॉ होता है ना उसको उर्दू में साला कहते हैं, यानी कि बहुत सारे हुए तो सालों हुए, मेडिसिन के डॉक्टर्स की सालों की मेहनत से तैयार किया हुआ फॉर्मूला। किसने कहा कि तुम खबरें छोड़कर इश्तिहार पढ़ना शुरू कर दो? वेज, अखबार के पहले पेज पे बीमारियां होती है और दूसरे पेज पे उनका इलाज होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अखबार के पहले पेज पे अखबारी बीमारियां होती हैं और उनके दूसरे पेज के ऊपर इश्तिहारी इलाज लिखा हुआ होता है उन बीमारियों। अखबार के पहले पेज पे बीमारियां, ये नया फलसफा कहां से शुरू हो गया? यहां से निकाला वेज कि देखो अखबार के पहले पेज के ऊपर इतनी खौफनाक खबरें लिखी हुई होती है कि इंसान का चेहरा जो है ना उनको पढ़ के वो पीला हो जाता है, और दूसरे पेज के ऊपर उसका इश्तिहारी इलाज लिखा होता है कि अपने पीले चेहरे को सुर्ख शाबाज बनाने के लिए। सुर्ख शादाब लिखा होगा। हाँ जो भी, खैर वेज, सुर्ख शहजाद बनाने के लिए जर्मन दीवाने की दवा इस्तेमाल करें। ओहो, जर्मन दीवाने नहीं, जर्मन दवा खाने की दवा होगी। अच्छा ना वेज देखो, खुदा के लिए सोनिया, ये तुम दिली दिल में पढ़ लिया? आंटी के लिए जो बात होती है ना वो दिली दिल में पढ़ती हूँ। खैर बेस, तुम ये देखो यहाँ पे ना मालिक मकान अंकल का भी एक इश्तिहार छपा है। मालिक अंकल ने कहीं मकान बेचने का फैसला तो नहीं कर लिया? लेकिन इसमें तो कहीं भी मुझे जरूरत रिश्ता और किसी खराब ज़हनी तवाज़ुन रखने वाले की गुमशुदगी का इश्तिहार तो नजर नहीं आ रहा। नहीं ना वेस। ये मालिक अंकल के बारे में कैसे कह रही हो? ये देखो ना, ऐसे कह रही हूँ कि ये लिखा हुआ ना करप्शन में खड़े होने वाले, करप्शन नहीं, इलेक्शन में खड़े होने के लिए। इलेक्शन में खड़े होने वाले एक उम्मीदवार को चंद ज़हनी मरीजों की जरूरत है। लिखा है कि इलेक्शन लड़ने के लिए जरूरत है एक उम्मीदवार को चंद ज़हीन मुशीरों की। इस खबर का मालिक मकान से क्या ताल्लुक है? मैं बताती हूँ ना, मकान अंकल जो है ना, मकान अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? वजीर बेटे जरा सीधा तो करो, खुद ही हो जाए। सुनिए बच्चे, मुकाबले की तैयारी कर रहा हूँ आने वाले कड़े वक्त के साथ। अरे कड़ा वक्त जूडो कराटे से नहीं, दूध पराठे से दूर हो सकता है। दूध पराठा? क्या बहन जी ने आज दूध पराठे का नाश्ता बनाया? नहीं मकान अंकल। ये भी अच्छा किया नहीं बनाया, बन जाता तो तुम दोनों खा लेते, मुझे बड़ा सख्त अफसोस होना। अरे ये दूध पराठे आपको भी मिल सकते हैं, लेकिन इसको हासिल करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा बहन जी से। नहीं मकान अंकल, आपको इंतखाब से लड़ना होगा। ये इंतखाब कौन है भाई? वो जो पहलवान है? ओहो, इंतखाबात लड़ने की बात करी, इलेक्शन लड़ने की बात करी, उसका मशवरा दे रही है आपको? ओहो भाई, इसमें मशवरा देने की क्या जरूरत है, ये हमारा कौमी फर्ज है और मैं ये फर्ज अदा करूंगा हर कीमत पे। मकान अंकल आप ये बताएं कि आप इलेक्शन में किस पोस्ट के लिए खड़े होंगे? पोस्ट? सुनिए बच्चे, वही पोस्ट जिसके लिए हमें हर 2-3 साल के बाद खड़े होना पड़ता है, यानी वोटरों की लिस्ट में खड़े होके ना कतार में, वहाँ जनाब वोट डालने की तैयारी करेंगे जैसे वोटर खड़े होते हैं। और क्या? वोटर की नहीं बल्कि बंगले और मोटर की बात कर रहे हैं। बेटा इधर का कंधा दबाओ। बंगला और मोटर,
ओह मैं समझ गया मैं समझ गया। इस दफा पोलिंग बूथ जो है वो किसी बंगले में बनेगा और उम्मीदवारान जो है वो वोटरों को मोटरों में भर भर के लाएंगे। ऐसे आप अकल के भी मोटे हैं। अच्छी बात है ना मिस अंकल, जितने मोटे होंगे इनके इलेक्शन में जीतने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। प्यारे बच्चों, तुम कहीं मुझे असेंबली का मेंबर बनाने का मशवरा तो नहीं दे रहे हो? अरे हम आपको मशवरे के साथ साथ इसरार भी कर रहे हैं, अगर आप इलेक्शन में खड़े हो गए तो क्या होगा? तो ये होगा मकान अंकल, कि आप इस घटिया मकान से और इन बुरे हालात से निकल के असेंबली में बैठे हुए होंगे। सोनिया बच्चा, मैं असेंबली में बेकार बैठकर क्या करूंगा? अरे आप बेकार नहीं, सरकारी कार और 30-40 हजार के बंगले में होंगे। और 30-40 हजार? हाँ मकान अंकल, आप ये सोचिए कि अगर आप वजीर बन गए तो आपकी सारी उंगलियां घी में और आपका सर जो है वो कसाई में होगा। बहुत सोनिया बच्चे, सर कसाई में नहीं कड़ाई में होता है। वो आपके लिए ये भी ठीक है, लेकिन आप सोचें अगर आप वजीर बन गए तो आपके पास क्या नहीं होगा। मकान अंकल, आप ये सोचें कि आपके आगे आगे पुलिस होगी और आपके पीछे नौकर होंगे। प्यारे बच्चों, अगर मैं वजीर ना बन सका तो फिर आपके जो आगे लगने वाली पुलिस है वो आपके पीछे लग जाएगी। क्यों पुलिस मेरे पीछे क्यों लगेगी? देखिए ना मकान अंकल, अगर आपने पुलिस को अपने आगे लगाना है तो आपको वजीर बनना पड़ेगा। जरा सोचें, आप भिखारी फकीर से सरकारी वजीर बन गए तो आपके पास क्या नहीं होगा? एयर कंडीशन घर, एयर कंडीशन दफ्तर, एयर कंडीशन कार और अनकंडीशन पावर। खुदाया, लमिया ताकता ते लमे मुनाफे, थोड़े एहसासों में लंबे इजाफे। आंटी, आप यहाँ कुर्सी में बैठ के सब्जी बना रही हैं, आपकी सवारी कहाँ है? अरे हाय बहू, तुमने मुझे कब बग्गी में बैठकर सब्जी बनाते हुए देखा? और ये कौन सी सवारी की बात कर रही हो तुम? आंटी मैं अंकल के सर की बात कर रही हूँ, अंकल का सर कहाँ है आजकल? क्या कह रही हो तुम, अपने सुसर को सवारी कह रही हो? नहीं मैं कहाँ कह रही हूँ, अंकल खुद कहते हैं कि जो मेरी बेगम है वो हर वक्त मेरे सर पे सवार है। कभी सोच के बात किया करो। देखिए आंटी, जो बातें मैं सोचती हूँ ना, अगर वो मैंने आपको कहनी शुरू कर दी ना तो आप खामखा नाराज हो जाएंगी। मेरे नाराज होने से क्या होता है बहू, बेटा अपनी मर्जी की शादी कर लाया, मैं नाराज हुई किसी को क्या फर्क पड़ा? बहू बगैर जहेज के आ गई, मैं नाराज हुई तो कौन सा मुझे जहेज मिल गया? आंटी देखिए ना, वो जहेज तो अब आपके हाथों से निकल चुका है, ये जो मैं काम आपको बताने लगी ना, आप इस काम को पकड़े। अरे सारे काम मुझी से करवाओगी बहू, या कोई खुद भी काम करना सीखोगी? नहीं नहीं नहीं, देखे ना आंटी, जो काम मैं आपको बता रही हूँ ना, वो काम सिर्फ आप और अंकल कर सकते हैं। यानी तुम्हारे कमरे की सफाई करना, तुम्हारे कपड़े धोना, तुम्हारे कपड़े इस्त्री करना, यही कह रही हो ना बहू? नहीं 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 आंटी, ये सारे काम जो है ये तो रूटीन के काम है, जो काम मैं आपको बताने लगी हूँ ना, उस काम की वजह से आपके ऊपर जिन फिर जाएंगे। क्या? नहीं मेरा मतलब है कि आपके दिन फिर जाएंगे। अरे मेरी तो दुआ है कि मेरे दिन फिर से वापस आ जाए, कि जब मेरा वजीर कमारा होता था और मैं उसके रिश्ते के लिए बड़े बड़े जहेज वाली लड़कियां तलाश करती थी। आंटी वैसे आप ड्रामे काफी अच्छे कर लेती हैं, आप जो है ना मकान अंकल के लिए एक अच्छी फकीर साबित हो। बहू क्या कह रही हूँ, मैं क्यों उसकी फकीर बनने लगी? अरे है तुम्हें मतलब पता है फकीर का? हाँ आंटी मुझे पता है, फकीर का मतलब होता है वो इंसान जो किसी को एडवाइस या मशवरा देता है। अरे बहू, फकीर का ये मतलब नहीं होता, वो तो मशीर होता है, मशीर। हाँ आंटी, आप मकान अंकल की ना मशीर बन जाए, क्योंकि वो वजीर बनने वाले हैं। क्या वो वजीर बनने वाला है? अरे वो क्या करेगा वजीर बनके? वो तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो वजीर होता है ना उसका जो स्टाफ होता है वो सारे काम करते हैं। अगर आप उनकी मुशीर बन गई तो आप उनका स्टाफ होंगी, इसलिए आप उनके सारे काम करें। अरे मैं भला क्यों बनने लगी उसकी मुशीर? इसलिए क्योंकि आंटी आप काफी चलाक है ना। नहीं ये मैं नहीं कह रही थी, विज मुझे कह रहा था कि मॉम जो है ना वो बहुत चलाक है, और मुशीर के लिए बहुत जरूरी है कि वो चलाक हो, वरना उसका जो वजीर होता है ना उसको वो अपने साथ लेके डूब जाता है। जैसे तुम अपने वजीर को ले डूबी। आंटी मैं कहां लेके डूबी हूं विज को? मैं तो डूब सकती नहीं हूं आंटी, इसलिए क्योंकि मुझे तो स्विमिंग आती है, डूबने का खतरा तो विज का है। विज को मैं हमेशा कहती हूं स्विमिंग सीख ले, कोई क्लब ज्वाइन कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम ऐ मेरे अजीज हमवतनों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। क्या आपने इलेक्शन में खड़े होने का फैसला कर लिया? बहन जी आपने मुझे ऐसे खड़े हुए देख के कह दिया? नहीं, आपके इस लिबास से और हमारे साथ खिताब करने से पता चला। बहन जी अगर पता चली गया था तो कम अज कम इस होने वाले वजीर को मुबारकबाद ही दे देती। अरे भाई साहब, आप अभी उम्मीदवार बने नहीं, आप वजीर कैसे बन गए? मकान अंकल एक क्वेश्चन है, ये उम्मीदवार क्या होता है? भाई बड़ी भोली हो सोनिया बच्चे, बड़ी भोली हो। देखो
उम्मीदवार उसे कहते हैं जो सारी ज़िंदगी से उम्मीद पे गुजार देता है कि मैं इलेक्शन में कामयाब होऊंगा, मेंबर असेंबली बनूंगा, फिर वजीर बनूंगा और फिर पता नहीं क्या क्या बनूंगा। भाई साहब, आपने बीए तो किया नहीं है, आप कैसे इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं? लो भाई, ये तो बहन जी भी बहुत भोली निकली। बहन जी, हमारे मुल्क में क्या कुछ नहीं हो जाता। बहरहाल क्वेश्चन बहुत अच्छा और दानिशमंदाना है, मैं इसका जवाब बहन जी आपको अभी देता हूँ। मैं नमाज पढ़ के हाजिर होता हूँ, फिर आके बातें करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम ऐ किरायेदारा। अरे यार, तुम बड़े अच्छे मौके पे आए हो। मैं सोच ही रहा था कि मिलके एक शतरंज की बाजी हो जाए। ओहो, परे करो इस घटिया गेम को। मैं तो अभी बहुत बड़ा गेम खेलने लगा हूँ, लम्बी यही रकमा लगा। बड़ा सा जुआ खेलने लगे हो। इलेक्शन लड़ना भी तो एक जुआर कारोबार ही है। ले गया ते बेड़ा पार, रह गया तो अगली बार। तुम्हारे इरादे को ज्यादा नेक नहीं लग रहे, क्या तुम इलेक्शन लड़ने लगे? देखो भाई, इसका इरादा तो मैंने बहुत पहले कर लिया था, अब तो सिर्फ इस पे अमल करना बाकी है। हो सकता है ये मालिक मकान कल किसी मिनिस्ट्री का वजीर लगा हुआ। अरे यार, इस घर में तो वजीर पहले ही बहुत हैं। चल, तो इस शतरंज के बिसात के ऊपर ऐसे बेजान पड़े रहते हैं और एक ऊपर है बेरोजगार बेसाजो सामान। मेरा काम अभी इन बेजान वजीरों से नहीं, बल्कि पार्लियामेंट के जानदार वजीरों से लड़ना है। और जिस वजीर का तुम जिक्र कर रहे हो अपने बेटे का, वो सिर्फ नाम ही का वजीर है, उसे काम पर मैं ही लगाऊंगा वजीर बनने के बाद। यही फर्क होता है निजी और सरकारी वजीर में। अरे अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी निजी और सरकारी जरूरियात में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता? माली मदद करने से तो तुम रहे, तुम तो किराया वक्त पे नहीं देते बल्कि देते ही नहीं। तुम ऐसा करो, तुम मेरे मशीर लग जाओ, जिसका सिला तुम्हें मेरे वजीर बनने के बाद मिलेगा। वजीर बेटे, ये इलेक्शनों में इतना खर्चा क्यों करना पड़ता है? वैसे अकलमंद लोग वो बिजनेस करते हैं जिसमें लगाओ 1 लाख तो वापस आए 30 लाख। बेटा, इस हिसाब से मेरा खर्चा हो रहा है शुरू में ही 5 लाख, इसको किसी तरह 5 से ज़रब दो 30 को, और इसको वापस लाओ बेटा, वापस लाओ। भाई साहब, ये ले लिस्ट, इसके मुताबिक आप अपने बीए की तैयारी शुरू करें। है? बहन जी, ये लिस्ट मेरे इम्तिहान में बैठने की है या मेरे नुकसान कराने की? लाइन मकान का मुझे, मैं लिस्ट पढ़ती हूँ, मुझे लिस्ट पढ़ने का बहुत शौक है। अच्छा जी, लिखा हुआ है 5 किलो काफरी बदनाम। ओहो बहू, काफरी बदनाम नहीं, कागजी बादाम, कागजी बादाम। ओहो सॉरी बच्चे, लाओ मुझे दो, मैं पढ़ता हूँ। बहन जी का नुस्खा इतना ताकतवर है कि इसे पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कमजोर उर्दू पिघल जाएगी। बहन जी लिखती है जनाब, 5 किलो कागजी बादाम, 1 टीन देसी घी, 10 किलो चीनी, 4 मगज 1 पाव। 4 मगज? मालिक अंकल, आप 4 मगज का क्या करेंगे? आपने तो पहले कभी अपने 1 मगज से काम नहीं लिया। देखो ना, इसलिए भी तो हो सकता कि अंकल को जो है ना 4 मिनिस्ट्रीज का पोर्टफोलियो मिल जाए, और 4 मिनिस्ट्रीज को हैंडल करने के लिए अंकल को 4 मगजों की जरूरत हो, क्योंकि उनके सर में जो मगज है वो तो पहले से ही काम नहीं करता। भाई बात तो सुनिया की ठीक है, इतना महंगा नुस्खा पढ़ के कहीं वाकई मेरा मगज ना खराब हो जाए। ये नुस्खा मेरे इम्तिहान का है या मुझे पहलवान बनाने का? सब कैसी बातें कर रहे हैं, आप जिस इम्तिहान में पढ़ने वाले हैं ना, उसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग कुवत चाहिए, और फिर ये नुस्खा जो है ये तो हमारे खानदान का नुस्खा है। सोच ले मॉम, कहीं ऐसी खुराक खाकर मालिक अंकल थोड़ा गिना जाए। कुछ नहीं होता इससे, कुछ नहीं होता, ये तो हमारा खानदानी नुस्खा है, यही दवा खा करके तो हम सब इम्तिहान में पास हुए। और भी खतरा है मॉम, मालिक अंकल पता नहीं किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मेरा मतलब है कि हमारा खानदानी नुस्खा अगर किसी कमतर खानदान वाले ने इस्तेमाल कर लिया तो उल्टा असर भी हो सकता है। आंटी, क्या आपकी फैमिली जो थी वो सारी की सारी चीटिंग करके पास होती थी? हाय हाय बहू, ये तुमने कैसे कह दिया? आंटी, मैंने इस तरह कह दिया कि आप खुद ही तो कह रहे हैं कि हमारी फैमिली का हर मेंबर एग्जाम्स देने से पहले ये वाली ड्रग्स लेता था। वो ड्रग्स नहीं, दिमागी ताकत की दवा जिससे दिमाग तेज होता है। अंकल का दिमाग चूंकि इनके जिस्म के मुकाबले में काफी पीछे है, तो उसे हमें तेज करना है। ये तो वो नुस्खा है जिसे इस्तेमाल करके कुन जहन से कुन जहन भी बीए तो क्या एमए पास कर सकता है। जी, ये नुस्खा अगर मुझे पहले मिल जाता ना,
तो मैं मैट्रिक में बीए कर जाता। मकान अंकल आप ऐसे क्यों नहीं करते कि आप ये सारी की सारी ड्रग्स जो है ना वो एकदम इकट्ठे खा लें, ताकि ना आप बीए की फीस के अंदर एमबीए नहीं बल्कि पीएचडी भी कर लेंगे। सोनिया बच्चे बनता तो यही है, मगर इतना महंगा नुस्खा पता नहीं मैं हजम कर भी पाऊंगा कि नहीं। अरे अंकल वजीर बनिए वजीर, आपने अगर बड़ा आदमी बनना है ना तो खाने पीने की प्रैक्टिस करें, ताकि आगे जाकर ये सब चीजें हजम भी कर सकें। हाँ तो और क्या, बड़े बड़े लोग ही तो बड़ा बड़ा खाते हैं, और आप अकेला थोड़ा ही खाएंगे, हम सब भी तो हैं आपके साथ खाने के लिए। हाँ आप चलें जल्दी से जाएं और ये सारी चीजें खरीद लाएं। जी मकान अंकल एक मिनट ठहरे ठहरे, वो आपको याद है ना कि आपने मिनिस्टर बनने के बाद हम सब के लिए क्या क्या करना है। हाँ। वो क्या है कि मुझे तो खैर कुछ याद नहीं कि मैंने किससे क्या वादा क्या रखा था। अरे हाँ, कैसे याद होगा, अभी तो आपने ये नुस्खा इस्तेमाल ही नहीं किया। आप ये दवाएं इस्तेमाल करेंगे आपको फौरन याद आ जाएगा कि आपने वादा किया है कि आप वजीर बनने के बाद मुझे सोने के कंगन दिला के देंगे और वजीर को नौकरी। लोगो मैं तो ये दवा खाता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे लिए दुआ जरूर कीजिए। हाँ चले जाए। अच्छा बगा प्लीज। लो भाई मालिक, मैंने तुम्हारी इलेक्शन की तकदीर तैयार की। देखो भाई किरायेदार, ये तो मुझे मालिक मकान अपना कहा करो, आप मुझे मेंबर कहा करो। भाई इनकी नामजदगी के कागजात तो अभी जमा नहीं हुए, तो ये मेंबर कैसे बन गए? अरे भाई मैं असेंबली के मेंबर की बात नहीं कर रहा, मैं घर के मेंबर की बात कर रहा हूँ। हर खाने पे तो ये यहाँ होता है, तो मेंबर ही हुआ ना घर का। तुम्हारा कसूर नहीं किरायेदारा, जब कोई बंदा बड़ा आदमी बन जाता है ना तो सब यही क्लेम करने लग जाते हैं कि ये हमारा दूर का रिश्तेदार। आप हमारे दूर के रिश्तेदार नहीं बल्कि करीब के रिश्तेदार हैं। अगर दूर के होते तो यूं नाश्ते लंच और डिनर पे ऐन मौके पर टपकने पड़ते। एक बार मुझे वजीर बन जाने दो, फिर मैं ये तुम्हारी सारी जुगते मुनाफों के साथ वापस करूंगा। जब आप मिनिस्टर बन जाएंगे फिर तो आप हमसे इस गंदे घर का ना किराया तो नहीं लेंगे ना। सोनिया बच्चे पहले मुझे वजीर बन तो जाने दो, तुम तो अभी से सारी मराहत लेने लगी हो। नहीं सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम तो अब इस मकान के अपने आप को मालिक भी ना कहा करो। क्यों ना कहा करो मालिक? देखो ना लोगों को जब ये पता लगेगा कि तुम इस गंदे मंदे मकान के मालिक हो तो तुम्हें वोट देने के बजाय ताने देंगे कि जो वजीर इतने घटिया मकान का मालिक हो सकता है वो कितनी घटिया तबीयत का मालिक हो। अरे भाई साहब आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपने सबक याद कर लिया? अरे वो दवाएं जो दी थी हाफजा तेज करने के लिए वो आपने खाई, कुछ असर हुआ? बहन जी फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन मैं फर्श पे सारी रात पड़ा रहा हूँ पेट दर्द की वजह से। मकान अंकल फर्श पे पड़े रहे आप, क्या आपने अभी से इलेक्शन में हारने की तैयारी कर ली है? हारने की प्रैक्टिस? क्या कह रही हो सोनिया बच्चे? हाँ ना तो और क्या, उस दिन मुझे विश बता रहा था कि जो जीतता है वो अर्श पे होता है, जो हारता है वो फर्श पे होता है। तुम्हें क्या हो गया, क्यों ऐसी मनहूस बातें मुंह से निकाल रही हो? अरे हमारे भाई साहब तो बिना मुकाबला जीत जाएंगे। हाँ क्या मकान अंकल का आंटी नसरीन के साथ मुकाबला होगा? आंटी नसरीन के साथ मुकाबला? ये आंटी नसरीन का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? हाँ ना उस दिन आंटी मुझे बता रही थी कि जो नसरीन है वो इतनी बड़ी बला है कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अरे बहू कहीं नसरीन के सामने ये बात ना कह देना, वो बला तो मुझे चिमट ही जाएगी। वैसे भी सोनिया का आइडिया बिल्कुल ठीक है, अगर तुम नसरीन को अपने मुकाबले में खड़ा कर लो तो इससे तुम्हारे कदरों कीमत में इजाफा होगा। इससे तो मेरे खर्चे में इजाफा होगा, मेरी कदरों कीमत में क्या इजाफा होगा? अरे भाई उसको कुछ दे दिला के हम बिठा देंगे। वंडरफुल आइडिया, मॉम आप जल्दी से आंटी नसरीन को इलेक्शन लड़ने पर आमादा करें। लोगों ये भी तो सोचो, अगर नसो जी ने मेरे हक में बैठने से इनकार कर दिया तो इसकी फिक्र ना करें, वो बड़े आराम से बैठ जाएंगे। अरे बहू ये तुमने कैसे कह दिया? ऐसे कह दिया आंटी कि आप खुद ही तो कह रही थी कि नसरीन का इतना ज्यादा वेट है कि वो ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। आज तुम अकेले ही आए हो बच्चा। जी पीर जी अभी जुलूस लाने का वक्त नहीं आया, आज मैं बहन जी से चोरी आया हूँ। क्या तुम चोरी करते हो? हम चोरों को तावीज नहीं देते। आपने मुझे चोर कैसे कह दिया? तुमने खुद ये करारे जुर्म किया है बच्चा। बच्चा का है तो बच्चा समझ के माफ कर दे पीर जी, दरअसल मैं आज बहन जी को इसलिए साथ नहीं लाया कि वो मेरी ही फीस में अपना तावीज मुफ्त ले जाती है। आज मैं अपने काम से हाजिर हुआ हूँ पीर जी। मैं समझ गया, आज तुम बहन जी को पिलाने के लिए तावीज लेने आए। अकल को हाथ मारे पीर जी, बहन जी की उम्र इस वक्त तावीज पिलाने से ज्यादा दवाई पिलाने वाली हुई है। आज मैं
आपसे सियासी तावीज लेने हाजिर। सियासी तावीज की फीस डबल होगी बच्चा, आजकल हमारे पास सियासी पार्टियां धड़ाधड़ आ रही हैं। धड़ाधड़ तो आएंगे पीर जी, क्योंकि सियासत भी तो कई दड़ों में बढ़ चुकी है ना। तुम मुझे यार और मक्कार उम्मीदवार लगे हो, तुम इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? इसीलिए तो हाजिर हुआ हूँ, मैं आपको डबल फीस देने आया हूँ पीर जी। आप मुझे कोई ऐसा तावीज दें कि मुझे कामयाबियां ही कामयाबियां मिल जाए। डबल फीस वाला तावीज हम उनको देते हैं जिनका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से हो। तुमको डबल फीस के साथ अर्जेंट फीस भी देना होगा। तुम्हारा ताल्लुक किस पार्टी से है? पीर जी, मैं पार्टी बाजी पे यकीन नहीं रखता हूँ, मैं आजाद उम्मीदवार। हमारे यहाँ कोई आजाद नहीं रहता, जो ऑफर ज्यादा दे उसकी गुलामी करनी। पीर जी, आप मुझे सियासियात पे लेक्चर देने के बजाय वजीर बनने का तावीज दें। अगर मैं वजीर बन गया तो आपकी हालत भी बदल दूंगा। अगर आपने मुझे वजीर बनने का कोई पक्का तावीज दे दिया ना, तो मेरा आपसे पक्का वादा है पीर जी कि मैं आपका ये डेरा भी पक्का करा दूंगा सरकारी खर्चे। मालिक मकान, मैंने तुम्हारे और नसरीन के कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा दी, बस उसमें सिर्फ बीए पास का जो खाना है ना वो फिलहाल खराब है, मतलब है खाली है। वो जब तुम बीए पास कर लोगे ना तो फिर हम पोर कर देंगे। अंकल, मैंने मकान अंकल से ज्यादा वीक स्टूडेंट अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। नहीं, अगर ये वीक है तो मैं तो फिर वीकेस्ट हूँ। नहीं ना, मैं इनकी फिजिकल वीकनेस की बात नहीं करी, मैं इनकी मेंटल वीकनेस बल्कि मेंटल इलनेस की बात करी। उनको कोई चीज याद ही नहीं रहती, एग्जाम में पास कैसे होंगे? मुझे लगता ना तो मुझ पे बहन जी की हाफजा दुरुस्त करने वाली दवाई ने असर किया है और ना ही पीर साहब के तावीज ने। मुझे तो दोनों ही दो नंबर लगते हैं। अंकल, दो नंबर नहीं चाहिए होते, एग्जाम्स में पास होने के लिए एटलीस्ट 40% मार्क्स चाहिए होते हैं। आप ऐसे करें कि आप आंटी की वो जो खुदा हाफजे वाली दवा है ना वो सारी की सारी एकदम खा जाए, बल्कि ऐसे करें कि वो पीर साहब के पास जाए और डबल डोज वाला सुपर तावीज लें। अरे भाई, ये पढ़ाई लिखाई की बातें छोड़ो भाई, सियासत की बातों की तरफ आओ। देखो, मैंने नसरीन की भी तकरीर लिख दी है, अब तुम दोनों की तकरीरों की रिहर्सल जो ना कल सुबह यहाँ घर में होगी। हाँ, रिहर्सल से मुझे याद आया मकान अंकल, आपने वो जो सियासतदान बनने की रिहर्सल है उसके लिए आपने आंटियों मेरे लिए कपड़े लाने थे और विज और अंकल के लिए सूट लाने थे और अपने लिए कोई सियासी गेटअप वगैरह वो ले आए। सोनिया बच्चे, इस सारे काम पे मेरी लंबी रकमें लग चुकी है, दुआ करो कि ये मुनाफों के साथ वापस आ जाए। सारी तैयारियां मुकम्मल। बात सुनो मालिक, तुमने ये करना है कि जब तुम अपनी इलेक्शन की तकरीर करोगे तो वहाँ आवाम ने तालियां बजानी है, तो वो उनकी जगह फिलहाल मैं रिहर्सल में तालियां बजाऊंगा। तुमने ये समझना कि वो तालियां बजा रहे हैं, समझ गए? हाँ, ठहरो भाई, ठहरो, बहन जी को तो आने दो, उन्होंने तो अभी मेरा इंट्रोडक्शन भी करा है। मकान अंकल, आप आंटी को छोड़े, आंटी जो है ना वो किचन में सब खाना बना रही है, जो आप लंच के लिए चीजें लेकर आए थे ना वो भी तो आखिर किसी को पकानी थी। क्या ख्याल है सोनिया बेटा, पहले लंच ना कर लिया जाए, ये ड्रामा तो बाद में भी हो सकता है। नसो जी, इलेक्शन से पहले खाने पीने का जिक्र ना करें, वरना आवाम क्या सोचेंगे कि ये इलेक्शन से पहले इतना खा रहे हैं तो बाद में क्या हशर करेंगे। ये बताओ वजीर कहाँ है? कौन सा, मेरा वाला या सरकारी? मेरा वाला तो अंकल की पब्लिसिटी के पोस्टर्स छुपाने गया हुआ है। एक बात दरअसल ये है कि वजीर ने साउंड ऑपरेट करनी है। चलो खैर, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तुमने सलमा की जगह लेनी? नहीं, मैं आंटी की जगह क्यों लूं, वो तो किचन में खाना बना रही है, मुझसे नहीं इतनी गर्मी में किचन में जाया जाता, मुझे आंटी वाले कोई। अरे भाई, इनका इंट्रोडक्शन तो तुमने करना है ना, तुमने इधर से पढ़ के करना, तुमने कौन सा खुद बोलना है। चलो चल, मैं किराएदार जरा साथ हो जाए। रेडी मेरे लजीज हाथियों। अस्तग़फिरुल्लाह, सोनिया बच्चे, लजीज हाथियों नहीं, अजीज साथियों। मेरे अजीज साथियों, हम सब के हमारे प्यारे गीदड़। ओ हो भाई, लीडर, गीदड़ नहीं, लीडर। मेरे अजीज साथियों, हम सब के हमारे प्यारे लीडर अब्दुल मालिक। अब्दुल नहीं सोनिया बच्चे, अब्दुल, अब्दुल मालिक के मकान। हमारे प्यारे लीडर अब्दुल मकान, जिनको आप सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और अगर नहीं जानते
तो आप लोग जान जाएंगे जब वो यहाँ पे आएंगे। मेरा ख्याल है पहले हम लंच ना कर लें, क्योंकि अगर इसी तरह का इंट्रोडक्शन होता रहा तो सबकी भूख उड़ जाएगी। मालिक अंकल। वजीर बेटे। जी वजीर बेटा, आपकी लंबी रकमों से आपका और नसरीन आंटी का पोस्टर तो छप गया, लेकिन उसमें एक गलती हो गई। वो क्या बेटा? कहीं मालिक अंकल की का नसरीन आंटी की तस्वीर तो नहीं लग गई है? अरे अल्लाह ना करे, मेरी तस्वीर इनके पोस्टर में क्यों छपेगी? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? इलेक्शन में हमने ये तो सुना था कि लोगों की सियासी वफादारियां तब्दील हो जाती हैं, जिंस तब्दील होने का पहली मर्तबा। वो डैड ये बात नहीं है, बात दरअसल ये है कि मालिक अंकल ने तो मैट्रिक पास भी नहीं किया और पोस्टर में छप गया है कि बीए पास। क्या? Oh,